हम लोग जो क्रिटिकल केयर इमरजेंसी का सेवा है उसको और बेहतर करने के लिए ये प्रयास डॉक्टर संदीप दीवान 20 साल से ऑफिस में है क्रिटिकल केयर डायरेक्टर है एंड उनका उनका टीम का जो एक्सपर्टाइज है वो एक्सपर्टाइज यहाँ का लोगों के लिए हम लोग काम में लाएंगे एंड कोशिश करेंगे इस सेवा को और बेटर करें। न्यून हॉस्पिटल जैसे कॉन्स्टेंटली डेवलप कर रहे हेल्थ केयर सर्विस को हॉस्पिटल को डेवलप करना एक उद्देश्य नहीं है। हम लोग आप लोग अगर देखेंगे कॉन्स्टेंटली ऐसा एक्टिविटीज भी किया है जिसमें बेसिकली लोग हॉस्पिटलाइजेशन का जोड़ कम है तो हम लोग थेरापेटिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव हेल्थ दोनों में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये बेसिकली थेरापेटिक हेल्थ को बेटर करने के लिए इसको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए कमिंग टाइम में हम लोग और भी रिसर्च करेंगे हम उसमें देखेंगे कि कैसे हम और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड रूरल हेल्थ केयर का डेवलपमेंट के लिए ये कैसे मॉडल बन सकते हैं जो बाकी जगह में भी इसको फॉलो करते हैं। बहुत लोगों को सेवाएं दिया जाए एंड ये सर्विस हम लोग रूरल के लिए जो थेरापेटिक एंड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी केयर ये एक्सेसिबिलिटी और भी बेटर एक्सेसिबिलिटी और बेटर जो अभी पोर तो ये लोगों का एक कोशिश है तो हम लोग इसको ट्राई करें एंड एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूँगा जैसे कि कमिंग सैटरडे आपका वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है एंड नून हॉस्पिटल पेशेंट सेफ्टी के लिए कॉन्स्टेंटली काम किया हॉस्पिटल के डेवलपमेंट किस लिए क्योंकि पेशेंट सेफ्टी यहाँ सभी को इस एरिया वासियों को कि हम पूरी विधानसभा की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहे हैं और आपको कि समय समय पदार के इस क्षेत्र के लोगों को हमेशा अस्पताल की सुविधा देते हैं और कई प्रकार की सुविधाएं आप उपलब्ध कराते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रगुजार चाहता हूँ। इसी प्रकार हमारे सभी ट्रस्टी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में वाइस चेयरमैन प्रधान साहब सुल्तान सिंह साहब उप प्रधान साहब श्री हमारे प्रधान साहब और सभी ट्रस्टी यहाँ पधारे सभी डॉक्टर साहब और अस्पताल से पधारे सभी हमारे सभी यहाँ के कार्यकर्ता और सभी स्टाफ नर्स और सभी कंपाउंडर और हमारे मुख्य पूरा देखते हैं वर्ल्ड में गूगल में इस जगह में क्राइसिस है तो उसको हम लोग डेवलप करने में कोशिश करते हैं। डॉक्टर संदीप दीवान जो फोर्टिस का डायरेक्टर है क्रिटिकल केयर का उनका एंड उनका टीम अभी उनके साथ जुड़े हैं तो उनको गुड़गांव या फोर्टिस जाने का कनेक्ट हो सकता है इन डॉक्टर का टीम के साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर डॉक्टर को चाहिए कि और एक मुझे डिस्कशन करना है कोई केस को लेके वो कनेक्ट कर सकता है। बॉम्बे जाने का जरूरत नहीं है यहीं से आप अगर चाहिए जरूरत उनका है उनका टीम का जो एक्सपर्टाइज है वो एक्सपर्टाइज यहाँ का लोगों के लिए हम लोग काम में लाएंगे एंड कोशिश करेंगे इस सेवा को और बेटर करेंगे। खत्म करके वो हैंडओवर देके जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे मेरे पांच पेशेंट बड़े सिख हैं हम उनको यहाँ से वहाँ से इस तरह से सर्विस जो है वो यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है बहुत और इसको भी और अपडेट करेंगे क्या होता है इसमें हमारे पास अलार्म भी आ जाएगा क्योंकि क्या है ना ये सिस्टम इंटरनेट पे ही चलता है आप कितना भी अच्छे से इक्विपमेंट बिठा दो यहाँ डॉक्टर है वहाँ डॉक्टर है लेकिन इंटरनेट कितने लोगों की जान बची तो जैसे वो जो मॉनिटर है आप देख रहे हैं ब्लड प्रेशर आपकी हुआ ऑक्सीजन 95 से 94 जरूरी है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है उस पर भी हम काम करते हैं लेकिन आधा घंटा पौने घंटे में वहाँ मिल जाए कई बार ऐसा यहाँ की कम्युनिटी में मदद करते हैं। बोलता है तो वो काम करता है क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्या यहाँ से आप कोटा जाएंगे या कहीं भी जाएंगे एक घंटे की दूरी है वहाँ पे जाएंगे इसके बाद में
साथ मैं धन्यवाद दूंगा न्यू हॉस्पिटल के सारे ट्रस्टीज का और सारी मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे बुलाया। और इसके साथ मैं धन्यवाद दूंगा न्यू हॉस्पिटल के सारे ट्रस्टीज का और सारी मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे बुलाया। आप सबके लिए मुझे वापस बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने बहुत काम किया था, मेरे स्टाफ ने बहुत काम किया था, रात भर जाग जाग के किया था, सबकी तबीयत भी ठीक नहीं रही थी और हम सब लोग परेशान थे। थैंक यू आप लोग सबका सपोर्ट हुआ उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। और ऑल्सो कोविड के टाइम पे मुझे बताना है कि हमने 1000 मरीजों की लाइफ बचाई है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, हमने मॉलिक्यूलर लैब लगाई, सीटी स्कैन मशीन लगाया, क्रिटिकल केयर शुरू किया, क्रिटिकल केयर की एम्बुलेंस आ गई, ईटीपी प्लांट लगाया, क्रेडिटेशन हुआ हमारा एनएबीएल हॉस्पिटल का जो किसी के पास नहीं है, यहीं पर वी आर क्रेडिटेड। ये सभी काम मैंने नहीं किया, हमारे ट्रस्टीज ने नहीं किया, स्टाफ ने किया, डॉक्टर्स ने किया, हमारे ट्रस्टीज और आप लोगों ने सपोर्ट किया और आई थिंक उन लोग के लिए तालियां बजाई जाए। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी बिफोर आई क्लोज, मुझे डॉक्टर दीवान को वेलकम करना है। वेलकम डॉक्टर दीवान टू नोन हॉस्पिटल, यू एंड योर टीम वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली एंड स्पेंड योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर दीवान जो डायरेक्टर है क्रिटिकल केयर के फोर्टिस हॉस्पिटल से, वो हमारे से जुड़े हुए हैं, आज आपको बताया है उन्होंने, टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, हमारे जो तीन फिजिशियन डॉक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो जो मरीज इधर आएगा, जो क्रिटिकल पेशेंट होगा, और हमारे डॉक्टर्स तो हेल्प करेंगे पर उनके एक्सपर्टीज जो डॉक्टर्स बैठे हैं दिल्ली में, एक फोन कॉल से वो हमारे मरीज को एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें क्या, हमारे को तो क्या करना है, हमें जान बचानी है और कुछ नहीं चाहिए हमें, वी वॉन्ट टू सेव लाइफ एंड उसके लिए इसीलिए हम ये इन लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे सीईओ का, उसके पास बहुत कुछ करना बाकी है और आगे भी करेंगे। बस थैंक यू, आप लोग बहुत स्पेशल हो एंड आई थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड बस सपोर्ट करते रहे और हमारे साथ वॉक पे चले फॉर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे विच इज ऑन सैटरडे, कम 6:30 इन द मॉर्निंग हमारे घर से निकलेंगे और हॉस्पिटल पहुँचेंगे चलते चलते, और हम खुद चलेंगे सबके साथ। सो वेलकम, जिसको भी ज्वाइन करना है हमारे को, हमारे साथ प्लीज कम।